फिलहाल का ऐसा सीन है कि हमें पिकनिक मनाने के लिए जगह मिल गया है और वहाँ पे देखो सामने में फुल गांव के स्टाइल में पेड़ पे चढ़ के लकड़ी तोड़ रहे हैं और उसका हेल्प कर रहा है रोहन। इसी के लिए बोला था एक ईमेल लेने के लिए। हाँ पकड़ो पकड़ो, अभी मसाला और होगा मालूम है। आ हाँ हाँ, सो गाइस एक नंबर खुशबू आ रहा है। आप देख सकते हो चिकन बन गया, बस थोड़ा सा बाकी है बनने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं कुछ अलग। जी गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पिकनिक। सो गाइस, अभी मैं हूँ खारगढ़ पांडव खड़ा वाटरफॉल के पास और यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट है पिकनिक मनाने का। आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, कितना अच्छा माउंटेन है। तो हमने एक प्लेस फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे हमें मस्त वाला मस्त में चूल्हा वूल्हा बना के खाना बना सके, और घर से हमने चिकन उकन सब लाया है। चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, फिलहाल का ऐसा सीन है कि हमें फाइनली पिकनिक मनाने के लिए जगह मिल गया हुआ है और हमारे और दोस्त लोग सामान नीचे से लेके आ रहे हैं और यहाँ पे अशरफ भाई है। जगह मिल गई अपनी जगह, इधर खाना वाना इधर बनाएंगे। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने वाले, बहुत ही अच्छा प्लेस है। थोड़ा सा इसको साफ उफ करेंगे और यहाँ पे मस्त में पिकनिक सेलिब्रेट करेंगे। और दोस्त लोग हमारे उधर से आ रहे हैं, अरबाज और रोहन। इस जगह का हमें थोड़ा सा सफाई करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा ज़्यादा ही जंगल है, तो हम सफाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम लैप्स। सो गाइस, अभी हम खाना बनाने के लिए लकड़ी तोड़ रहे हैं यहाँ पे से। ये टूटा, बहुत ही मजबूत लकड़ी है। या दो लकड़ी तोड़ ली, अब नीचे लेके चलते हैं। ये ले अरबाज, अरबाज वहाँ पे देखो सामने में फुल गांव के स्टाइल में पेड़ पे चढ़ के लकड़ी तोड़ रहे हैं और उसका हेल्प कर रहा है रोहन, क्योंकि उनको नॉलेज है गाइस कि वो गांव में रहे हुए हैं ना, कि किस तरीके से लकड़ी तोड़ा जाता पेड़ पे चढ़ के। सो गाइस, हम लकड़ी सूखी तोड़ रहे हैं, ना कि हरी भरी लकड़ी को हम तोड़ रहे हैं। जो पेड़ सूख चुका है ना, हम उस पेड़ को हम यूज़ कर रहे हैं, जो एकदम सूखा हुआ उस पेड़ को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नेचर को ख़राब कर रहे हैं, बस हम सूखी फूखी लकड़ी से हम अपना यूज़ करेंगे। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख लो पसीना पूरा आया हुआ है, देखो गर्म कितना हो रहा है। और वहाँ पे अरबाज भाई और रोहन भाई और अशरफ भाई लकड़ी जोड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और सामने साइड का देखो व्यू, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। सो गाइस, यहाँ पे अभी चिकन बनाने का प्रक्रिया चालू है। सो फिलहाल का ऐसा सीन है गाइस कि यहाँ पे कांदा छिला जा रहा है चिकन बनाने के लिए और काफी नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। यहाँ पे रोहन भाई कांदा छिल रहे हैं और अशरफ भाई यहाँ पे कांदा छिल रहे हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। और ये जो भी गंदगी आपको दिख रहा है, हम सब लेके जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि हम अपने नेचर को खराब करें। अभी हम लोग जाएंगे चिकन धुलने और यहाँ तो अभी हम कढ़ाई ले लिया और नीचे चलते हैं धुलने। और हमारे साथ जा रहे हैं अरबाज भाई चिकन धुलने, और नीचे वहाँ पे झरना टाइप का बना हुआ, तो झरने के ऊपर से पानी आता है, तो हम वहाँ पे चलेंगे चिकन धुलने। ये लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है पिकनिक मनाने का, तो कोई नहीं कैसा भी रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। और वो पहाड़ वाली दुनिया में पिकनिक मनाने की तो मज़ा कुछ और ही आ जाती है। बस हम नीचे चलते चल रहे हैं बिकॉज रास्ता बहुत ही खतरनाक है। फाइनली अभी हमने चिकन धुल लिया, जो आपने टाइम लैप्स में देखा ही होगा। तो अभी हम चलते ऊपर। सो गाइस, फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पे हमने अपना कैंपिंग करने का सामान सब रखा था, और यहां पे अभी चूल्हा बन गया है। मैं आपको दिखाता हूं किस टाइप के इन लोग चूल्हा बनाए, मस्त गांव वाला फीलिंग आ रहा है यहां पे। गाइस, यही चूल्हा बना है जो आप देख सकते हो, उस पे केरोसिन डाला जा रहा है जलाने के लिए। नहीं बे, मिट्टी का तेल है, देसी लैंग्वेज में मिट्टी का तेल है। और सो गाइस, यहाँ पे अभी आग जलाया जा रहा है, जो इन लोग से आग नहीं जल रहा है, फिर भी जल गया आग, ये देख सकते हो आप, जल गया आग। और यहाँ पे रोहन भाई मस्त में मजे करते हुए, और यहाँ पे अरबाज भाई और यहाँ पे अशरफ भाई, और हम इधर बैठे हुए हैं मस्त में चिल कर रहे हैं। चिल बाबा चिल, मिट्टी को दूर करो भाई।
पानी तो नहीं छोड़ दिया होता। अरे अशरफ भाई प्लेट नहीं लाए वाली ऊपर से हाँ। अरे है ना उसको उस पे डालो चावल के ऊपर। अरे हाँ 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 हाँ। वो तो मैं भी ये दिमाग हटा उसको अभी इतना जल्दी थोड़ी गलता। अरे गल जाएगा पीछे से। अरे सो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एक नंबर मजा आ रहा है। और क्या मालूम चिकन बनेगा या नहीं बनेगा। ए ले ए कैसा बनेगा एक नंबर बना दोगे? बन जाएगा, खाने मिलेगा आज। अच्छा भाई ज्यादा भाई तुम लोग पहले चूल्हा लगाओ ज्यादा। जंगल का है ना बाट लगी तो भर के देगा तू वही पानी से जो तुम लोग धो ना दूसरे पानी से धोए ना इसलिए अरे नहीं कौन क्या हो रहा है ये वाइट जैसे फटे दूसरी खाने थोड़ा पानी। अरे नहीं हो गए भाई आग लगाओ ना नीचे। अरे आगे पत्थर लगा दे वो हिलेगा ही नहीं। आग लगाओ ना जरा आग नहीं लग रही। आग नहीं लग रही बराबर से चिकन नहीं बन रही है। अभी चम्मच हटा ले चम्मच को वो लग गई तुम कढ़ाई पकड़ो ना मैं चलाऊं जरा आग लगाओ ना तुम।
ऊपर तो दिखा तो गाइस लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फिर भी बहुत ही मजा आ रहा है। कुछ देखना चाहोगे आप? ओ साले फेक ओक देंगे। मस्ती नहीं भाई, जिसकी मस्ती जिंदा नहीं उसकी हस्ती जिंदा नहीं है। लाइफ में मस्ती करते गाइज आप मेरा आँख देख सकते हो किस तरीके से लाल हो गया। जो चूल्हा पे खाना पका रहा हूँ तो उसका धुआं डायरेक्ट आँख में लग रहा है, और यहाँ पे अभी आँच लगा रहे, टोटली मैंने हर चीज कर दिया, ये देख सकते हो आप अभी। देख सकते हो चिकन बन गया, बस थोड़ा सा बाकी है बनने के लिए। सभी के प्लेट में चिकन निकल चुका है और आप खाते, काफ़ी भूख लगा हुआ है, बहुत देर से खाना भी नहीं खाया, घर से निकले थे तो बस नाश्ता करके निकले, तो चलो फिर फटाफट खाते और आपको टाइम लैप्स बताते हैं। सो गाइस फाइनली खाना वाना खा चुके हैं जो आपने देखा ही होगा वीडियो में, और यहाँ पे हमने टोटली साफ कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी कचरा नहीं फैला, और कचरा का थैली आप देख रहे हो रोहन लेके जा रहा है। तो चलो फिर नीचे चलते हैं और मस्त में झरने के सामने पानी उनी से मुंह धुलते हैं। सो गाइस फाइनली फ्रेश हो चुके हैं, मुंह हाथ धुल लिए हैं बहुत। सो गाइज ये मेरे दोस्त लोग हैं जो हमारे साथ पिकनिक मनाने आए हुए थे, तो इन लोग से फीडबैक लेते हैं कि इन लोगों को कैसा मज़ा आया और कैसा फील आया। तो अरबाज भाई आपको कैसा लगा थोड़ा बताओ मुझे। तो ये पहली बात तो ये लाइफ में फर्स्ट एडवेंचर था, ऐसा फुल एकदम इन्जॉयमेंट, ऐसा खाना बनाना बाहर आउटसाइड माउंटेन पे भी जाके, तो काफ़ी मज़ा आया और एक एक्सपीरियंस था, आगे नेक्स्ट ट्रिप में बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिला, तो काफ़ी मज़ा आया। तो बस यही सब था, और बाकी भाई को और अब अशरफ भाई से लेते हैं फीडबैक। अशरफ भाई आपको कैसा लगा? भाई मेरा वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट मोमेंट था पूरे लाइफ का, क्योंकि मैंने ना आज तक मेरे बहुत सारे दोस्त थे, हम लोग बहुत ऐसा बाइक से इधर उधर घूमे, लेकिन ये जो फीलिंग्स है ना, ऐसे जैसे लगता है ना यार कि हम लोग दुनिया से अलग किसी अलग ग्रह पे आ गए। भाई वन ऑफ द बेस्ट यार, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक मोमेंट है इसको मैं बोलूँगा ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे एडवेंचर प्लेस पे आए, माउंटेन पे खाना वीना बना के खाए मस्त में दोस्तों के साथ, पूरा आदिवासी की फीलिंग, लाइक ऐसा लगता था हम ही लोग है, अभी कपड़े वपड़े पहन लिए लेकिन ऐसा लग रहा था गाइस हम ही है। तो बस यही था, बाकी होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो गाइस आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।